नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और एक सेशन में। सो गाइस, आज अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएआई का एमटीपी नवंबर 24 सीरीज 1 का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आईसीएआई ने पूछा है। आईसीएआई के वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है, डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 30-31 होगा आपके मॉड्यूल में भी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बस वही क्वेश्चन अभी अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे एमसीक्यू में आईसीआई क्वेश्चन पूछने वाला है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली अ थ्योरी क्वेश्चन जो आईसीआई पूछेगा एमसीक्यूज में। वॉट विल हैपन इज के आप लोगों को थोड़ा डेप्थ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग प्रैक्टिकली। बस ये कैसे उसका थॉट प्रोसेस रखना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। सो स्टे कनेक्टेड। ऑल्सो गाइज, प्लीज डू एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बेल आइकन क्लिक कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल चीजें आपको मिलती रहेंगी, स्पेशली रिलेटेड टू पेपर 2, पेपर 6 एंड इन जनरल, यू नो, अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। सो स्टे सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड एंड फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपन लोग वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का जो चैप्टर है उसी में एक इनदम अंदर 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 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस, उससे रिलेटेड आईसीआई ने एमसीक्यू निकाला है। आपको कहां से मिलेगा ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और ये जो अभी अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं इसका अगर आपको नोट्स चाहिए देन नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लस टेलीग्राम चैनल पे वी आर स्पेसिफिकली कंडक्टिंग एमसीक्यूज on a regular basis. Wait, I'll show that to you as well. ये देखो, once you go to the Telegram channel, आप जैसे ही ये मेरे Telegram channel के ऊपर आ जाते हैं ना, ये देखो संकल्प कांस्टिया के इस पे, तो you will find that बहुत सारे हम लोग ने यहाँ पे देखो MCQs किए। अभी जैसे valuation of security है, so we started valuation of security, उससे related जितने भी MCQs है on a daily basis you will find them, you have to immediately answer them. यहाँ पे आप वोट करके भी कर सकते हो उसी। अभी से फॉर एग्जाम्पल ये है, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव वे, प्लीज एंश्योर टू ज्वाइन। चलो अभी फिलहाल आ जाते हैं अपन लोग ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस। आपको ये आईसीआई बीओएसए एमटीपी सीरीज 1 डाउनलोड करके मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एंड लेट्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट अपन लोग ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे, आईसीआई का मॉड्यूल का भी एक क्वेश्चन इसी के थ्रू सॉल्व हो रहा है, वो भी बता देता हूं। सी हियर यू आर। तो जब आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर 5.40 अपने मॉड्यूल का ओपन करोगे, यू विल फाइंड दिस सेम क्वेश्चन, यू विल फाइंड दिस सेम क्वेश्चन। तो आपका बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन 31 आईसीएआई भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस MTP question. Bank A is in need of funds for a period of 14 days. To meet this financial need on 20th September 2023, Bank A enters into an agreement with Bank B, under which it will sell 10% Government of India bonds issued on 1st January 2023 at 5.65% for rupees 8 crores, face value 10,000 per bond. The clean price of the same bond is rupees 9942 and the initial margin is 2%. Maturity date of the bond is 31st December 2028. Consider 360 days and interest is payable annually. Based on above scenario, answer the following questions. अब देखो, ये agreement को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। That is the whole point that I really want to make clear. अब ये देखो, यहां पे ये सेम क्वेश्चन में ना वो लोग ने आंसर दे दिया है। बैंक ए एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज। यस, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रीपर्चेज अग्रीमेंट्स। कैसे रीपर्चेज? बैंक ए को फिलहाल फंड का जरूरत है, तो बैंक ए बैंक बी को कॉल करेगा। अब अच्छा, क्यों फंड का जरूरत है? कुछ भी रीजन हो सकता है। देखो, अगर आप लोगों को पता होगा तो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से बैंक को कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और भी उनको कुछ बैंक बैलेंसेस रखने पड़ते हैं।
तो हो सकता है बैंक ए का बैलेंस टेम्पररी पीरियड के लिए डाउन हो गया होगा, से 14 डेज के अंदर उसके पास और फंड्स आने वाला होगा, तब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। बट आरबीआई ने आज ही कॉल किया है और आरबीआई ने बैंक ए को बोला है कि भाई तेरा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कम हो रहा है, चल उसको प्रॉपर लेकर आ। अब बैंक ए आरबीआई को बोल रहा है सर मेरे पास है ना 14 दिन बाद एक बड़ा पेमेंट आने वाला है 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का, तब अपना ये सब लेवल हो जाएगा। तो आरबीआई बोलता है नहीं ये नहीं चलेगा, मेरे को ऑल 365 डेज सीआरआर रेशियो मेरा मेंटेन रहना चाहिए। तो बैंक ये सोचता है तो मैं क्या करूं आरबीआई, तो आरबीआई बोलता है कोई बात नहीं ना 14 दिन के लिए तू पैसा ले ले, जब तेरे पास वो रियल में आ जाएगा 10 करोड़ तब उतना रिपे कर देना सामने वाले बैंक को, एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ रीपर्चेज अग्रीमेंट। बिकॉज अब यहां पे क्या करेगा बैंक ए, जिसको पैसा चाहिए फॉर एग्जाम्पल 8 करोड़ रुपया चाहिए, तो बैंक ए बैंक बी को कॉल करेगा और बोलेगा बैंक ए बैंक बी मैं बैंक ए बोल रहा हूँ, आई नीड रुपीज 8 करोड़, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई नीड रुपीज 8 करोड़। तो बैंक बी बोलते हैं हाँ मैं तेरे को 8 करोड़ रुपीज देता हूँ ना टेंशन मत ले, तो बैंक बी बैंक ए को 8 करोड़ रुपीज देगा। सामने बैंक बी बोलेगा कि भाई मेरे को कुछ सिक्योरिटी तो दे, तो यहाँ पे बैंक ए उसके पास जो उसका इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है दैट इट विल गिव टू बैंक बी, बॉन्ड्स में उसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इट विल गिव टू बैंक बी। क्लियर हो गया? अब क्या ये बैंक बी का हो गया फॉरएवर? द आंसर इज नो। बैंक ये बोलता है देख मैं तेरे को ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट है वो तेरे को मैं दे रहा हूं, बट दिस इज नॉट योर्स, 14 डेज के बाद मेरे पास 8 करोड़ जो मैंने तेरे से लिया है ना वो मेरे पास आ जाएगा, तब मैं तेरे को ये रिटर्न कर दूंगा। तो बैंक भी बोलता है रिटर्न कर दूंगा मतलब इंटरेस्ट का क्या? हाँ हाँ टेंशन मत ले, साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट भी दूंगा, बट जब मैं तेरे को मेरा ये जो प्रिंसिपल मैं तेरे से ले रहा हूं प्लस इंटरेस्ट जो तेरे को 14 दिन का दूंगा, जब मैंने वो तेरे को रिटर्न कर दिया तब मैं तेरे पास से मेरे बॉन्ड्स को रीपर्चेस कर लूंगा। द अरेंजमेंट एंटर्ड बिटवीन बैंक ए एंड बैंक बी विल बी कॉल्ड एज अ रीपर्चेज ऑप्शन, द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप वी आर क्लियर। तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे अब अपन लोग बना रहे एक फटाफट वाला समरी सो दैट वी आर क्लियर। बैंक ए को क्या चाहिए? पैसा। क्यों चाहिए? जैसा मैंने बोला कैश रिजर्व रेशियो के लिए, ठीक है। अब कितना पैसा चाहिए? तो बैंक ए को चाहिए से फॉर एग्जांपल 8 करोड़ रुपीज। अब अगर उसको 8 करोड़ रुपीज चाहिए तो बैंक भी बोलता है ठीक है मैं तेरे को ये 8 करोड़ रुपीज दे दूंगा, सामने तू मुझे क्या सिक्योरिटी दे रहा है? तो बैंक ए बोलता है कि तू टेंशन मत ले मैं तेरे को वही वैल्यू का बॉन्ड्स दे देता हूं, बट ऑन अ कंडीशन दैट आई विल रीपर्चेज द बॉन्ड व्हेन व्हेन बैंक ए रीपेज, व्हेन बैंक ए रीपेज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? बैंक ए बैंक बी, क्लियर एवरीबॉडी? डन। सो अब अगर ये स्टोरी समझ में आ गई है तो आपको समझ में आ गया होगा इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेज अग्रीमेंट। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कितना एक्चुअल में बैंक ए को पैसा चाहिए, सामने वो बॉन्ड्स कितना दे रहा है, इंटरेस्ट कितना एनुअली उसको पे करना पड़ेगा ये 14 डेज के लिए, ये पूरा जो गेम चल रहा है दिस ऑल गेम इज ओनली फॉर 14 डेज। सो लेट्स नाउ कंटिन्यू, लेट्स नाउ कंटिन्यू। सो सेकेंड, डर्टी प्राइस ऑफ द बॉन्ड अप्रोक्सीमेटली विल बी, अब ये डर्टी प्राइस क्या होता है लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या तुम लोग ने वो एक कॉन्सेप्ट सुना है कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, बस उसी से थोड़ा सा कनेक्टेड है ये डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत क्लियर सा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आज का प्राइस है, टुडेज रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइस इज रुपीज 1050, ठीक है। टुमोरो रिलायंस बोलता है रिलायंस डिक्लेयर्स डिविडेंड, डिक्लेयर्स एंड पेस, समझो ऐसा करो रंजो, डिक्लेयर्स एंड पेस डिविडेंड ऑफ रुपीज 125, ठीक है। अब क्या होगा पता है आपको? डे आफ्टर टुमारो रिलायंस का जो प्राइस है ना वो हो जाएगा 1050 माइनस 125 एंड दैट विल बी, सो 1050 माइनस 125 एंड दैट विल बी रुपीज 925, दैट विल बी रुपीज 925। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? सो रिलायंस का आज का भाव 1050, डिक्लेयर किया डिविडेंड ऑटोमेटिकली उतना प्राइस कम हो जाएगा, ये जो 1050 है ना इसको बोलते हैं कम डिविडेंड, ये जो 925 है ना इसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड। डिविडेंड देने के बाद क्या प्राइस है?
925 ए समझ गए एवरीबॉडी। बस ऐसा ही कुछ क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस का भी कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है दैट क्लीन प्राइस इज विदाउट इंटरेस्ट। क्लीन प्राइस जो है दैट इज अ विदाउट इंटरेस्ट प्राइस, बट इतने दिन का इंटरेस्ट भी तो अक्रू हुआ होगा, इतने दिन का इंटरेस्ट भी तो अक्रू हुआ होगा क्योंकि ये तो बॉन्ड्स है, तो ये इंटरेस्ट अक्रूअल एड होने के बाद जो प्राइस बनता है ना बेटा, उसको बोलते हैं डर्टी प्राइस। अब अगर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नोट करोगे, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नोट करोगे तो उसने क्वेश्चन में अपने को क्लीन प्राइस दे दिया है 9942। तो अगर ये क्लीन प्राइस दिया है तो क्या इसके अंदर, क्या इस क्लीन प्राइस के अंदर इंटरेस्ट है क्या? द आंसर इज नो। बट कैन आई से इतने दिन का इंटरेस्ट तो अक्रू हुआ रहेगा, राइट? तो वो इंटरेस्ट कितना अक्रू हुआ होगा, वो ऐड करने के बाद जो प्राइस बन जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? डर्टी प्राइस। तो कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा, चलो आओ देखते हैं। देखो तो यहाँ पे बोला इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली एंड बॉन्ड का मैच्योरिटी डेट है 31st December, मतलब कैन आई से 1st January से लेकर 20th September। आज बैंक ए को फंड का जरूरत कब है? 20th September को। तो 1st January से लेकर 20th September तक का इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा। लेट्स कैलकुलेट दैट। सो ये जो 9942 है उसमें कोई मिलावट नहीं, ठीक है ना? दैट इज विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो अब तक कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ रहेगा? देखो एनुअली मतलब लास्ट कब अपने को इंटरेस्ट मिला होगा, पेबल एनुअली 360 डेज इन अ ईयर, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड 31st December, मतलब कहना इसे 1st Jan को लास्ट ईयर मिला होगा। तो अभी सितंबर 20 तक का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, तो इस बॉन्ड का वैल्यू कितना हो जाता है? देखो जरा देखो। सो यहाँ पे वी हैव टू नाउ कैलकुलेट द डर्टी प्राइस। उसके लिए क्लीन प्राइस इज विदाउट इंटरेस्ट, जैसे अपना एक्स डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा उसके ऊपर, डिविडेंड अक्रू हो जाएगा तो बन जाएगा कम डिविडेंड, विच इज कॉल्ड एज द कम इंटरेस्ट प्राइस, कॉल्ड एज द डर्टी प्राइस। फटाफट इसको कैलकुलेट करेंगे गाइज। सो 9942 के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट है देखो जरा। सो यहाँ पे देखो किस चीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। टू मीट दिस फाइनेंशियल नीड बैंक के एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बैंक बी अंडर विच इट विल सेल 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। यहाँ पे जो हमारा बैंक ए है वो गिरवी रखेगा, एज अ सिक्योरिटी रखेगा क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो बैंक ए विल गिव टू बैंक बी एज अ सिक्योरिटी क्या? 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो ये 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स का वैल्यू क्या है, इसका डर्टी प्राइस क्या है? तो 9942 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितना डेज हुआ है अब तक, तो 20th सितंबर तक कितना डेज हुआ है? तो देखो जरा 31st जैन का कौन सा ईयर चल रहा है, ये 2023 चल रहा है, वेरी गुड। तो मतलब 28 डेज ही आएगा फेब का, राइट गाइस? सो 31 प्लस 28 फेब का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, याद रखना सितंबर का 20 डेज। सो 31 28 31 30 31 30 31 31 20, ये होता है 263 डिवाइड बाय 360, 263 डिवाइड बाय 360, 9942 इंटू 10% इंटू 263 डिवाइड बाय 360 एंड द आंसर इज 727 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अब इसमें राउंडिंग ऑफ एरर आ सकता है, दैट्स ओके। सो 9942 प्लस 727 एंड इट इज गोइंग टू बी 10,10670। देखते हैं क्या ये अपने ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी अगर आप लोग देखोगे तो इट इज 10670। सो इन शॉर्ट अभी अपने को डर्टी प्राइस भी समझ गया है क्या है एंड डर्टी प्राइस अपन लोग ने कैलकुलेट भी कर लिया है, बट पिक्चर अभी बाकी है। अब इसी कॉन्सेप्ट में आगे आता है समथिंग कॉल्ड एज अ फर्स्ट लेग एंड समथिंग कॉल्ड एज अ सेकेंड लेग। फर्स्ट लेग में अपने को पता चलता है कि बैंक बी ने बैंक ए को कितना पैसा दिया, सेकेंड लेग में पता चलता है बैंक ए ने बैंक बी को कितना रीपे किया। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, बता रहा हूं मैं आपको वापस से। देखो लेट्स राइट डाउन,
एक होता है फर्स्ट लेग, दूसरा होता है सेकेंड लेग। फर्स्ट लेग में आपको पता चलता है कि बैंक बी ने कितना पैसा, बैंक बी ने कितना पैसा, बैंक बी पेज टू बैंक ए। और होता है उसके बाद सेकेंड लेग गाइस। सेकेंड लेग क्या होता है, बैंक ए ने कितना रीपे किया बैंक बी को, बैंक ए ने कितना रीपे किया बैंक बी को। तो अब अपने को बस यही फर्स्ट लेग एंड सेकेंड लेग कैलकुलेट करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो देखो यहाँ पे अब पार्ट थ्री ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग आ रहे हैं। द स्टार्ट प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन शैल बी अप्रोक्सीमेटली, ये जो वर्ड स्टार्ट है ना इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग। के भाई स्टार्ट फर्स्ट लेग कितना मिला है बैंक बी से बैंक ए को। दूसरा इसके बाद देखो द सेकेंड लेग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, सो ये कितना बैंक ए ने बैंक बी को रीपे किया है। द अक्रूड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर बॉन्ड शैल बी अप्रोक्सीमेटली, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट तो अपना हो गया है ना गाइज, अक्रूड इंटरेस्ट पर बॉन्ड तो अभी अपन लोग ने कैलकुलेट किया ना भाई। सो कितना आया अपना अक्रूड इंटरेस्ट, कैन आई से अप्रोक्सीमेटली 727। सो चलो देखते हैं इधर 727 है क्या, 728 है, तो कैन आई से वी विल गिव आवर आंसर एज 728। सो कैन आई से फिफ्थ पार्ट का भी आंसर हो गया अपना, सो अक्रूड इंटरेस्ट का भी अपना आंसर आ गया है एंड दैट इज 728 जो अपन लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। सो अब बचता है खाली फर्स्ट लेग एंड सेकेंड लेग। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि बैंक बी बैंक ए को कितना पैसा देगा। बैंक बी बोलेगा भाई तू मुझे जितना सिक्योरिटी देगा उतना मैं तेरे को पैसा दूंगा। तो बैंक ए क्या बोल रहा है, मैं तेरे को सिक्योरिटी में, बैंक ए क्या बोल रहा है, मैं तेरे को सिक्योरिटी में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रहा हूँ, राइट। सो आ जाओ यहाँ पे अपन लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट लेग। यहाँ पे अपन लोग फर्स्ट लेग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बैंक ए बैंक बी को क्या दे रहा है, बैंक ए बैंक बी को सर दे रहा है बॉन्ड्स, 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स वो दे रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दैट बैंक ए एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद बैंक बी अंडर विच इट विल सेल 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स ऑफ ₹8 करोड़, फेस वैल्यू 10,000 पर बॉन्ड। बहुत अच्छे, तो इससे अपने को काफी अच्छा आइडिया आ गया है दैट इट इज गोइंग टू गिव बॉन्ड्स वर्थ ₹8 करोड़ एंड जिसका फेस वैल्यू है ₹10,000 पर बॉन्ड। सो 8 करोड़ डिवाइड बाय 10,000, सो कैन आई से 8,000 बॉन्ड्स दे रहा है बैंक ए बैंक बी को। बट बैंक ए क्या बोलेगा, ए भाई बैंक बी ये जो मैं तेरे को 10,000 रुपीज दे रहा हूं ना इसका वैल्यू कितना है वो देख। हाँ तो बैंक बी बोल रहा है बोलना कितना वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई दिस बाय द डर्टी प्राइस, क्योंकि वही उसका आज की तारीख में वैल्यू है इंक्लूडिंग द अक्रूड इंटरेस्ट। तो अपन बोलेंगे भाई कितना वैल्यू है देखो जरा, सो डर्टी प्राइस आया है अपना 10670, बस वही उसका आज की तारीख का वैल्यू हुआ। सो दीज 8,000 बॉन्ड्स एट 10670, सो दीज 8,000 बॉन्ड्स एट 10670 कितना हुआ। सो बैंक ए विल से बैंक बी, आई एम गिविंग यू बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 8 करोड़ 53 लाख 60,000, 8 करोड़ 53 लाख 60,000 का मैं तुम्हारे को क्या दे रहा हूं, बॉन्ड्स दे रहा हूं। बट इसमें एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है एंड दैट इज दिस इनिशियल मार्जिन ऑफ 2%। अब यहां पे बैंक बी बोल रहा है कि बैंक ए को दैट यस बैंक ए यू आर गिविंग अस बॉन्ड्स वर्थ रुपीज 8 करोड़ 53 लाख 60,000, बट होता है ना अपन लोग लोन लेने को जाते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है काइंड ऑफ, तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे ये बैंक बी बैंक ए से प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहा है। इसको ऐसा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है दैट इट इज कीपिंग अ मार्जिन फॉर इटसेल्फ, कि कल उठ के अगर कभी कुछ डिफॉल्ट हुआ देन इन दैट केस बैंक बी विल कीप इटसेल्फ सिक्योर। और इसका रियल मीनिंग है कि अगर बॉन्ड्स का वैल्यू कम हुआ, समझो फ्यूचर में देखो क्या हुआ पता है क्या, बैंक बी को अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर रखना पड़ेगा, इसके लिए उसने वो बॉन्ड्स ले लिए वर्थ
व्हाटएवर 10,000 बॉन्ड्स का वर्थ का जो भी है उसने अपने आप ले लिया। अब इसका रियल अंडरस्टैंडिंग समझना, जब बैंक बी के पास ये बॉन्ड्स आ गया है, से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये बॉन्ड्स आ गया है, 8,000 बॉन्ड आ गया है, अब 14 डेज के बाद मैं बैंक ए को बोलूंगा चल भाई मेरे को मेरा पैसा रिपे कर दे और तू तेरा ये बॉन्ड्स ले ले, तब समझो बैंक ए ने डिफॉल्ट किया, तो फिर बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी जाके इसको मार्केट में बेच देगा, और अगर जब ये मार्केट में बेचने को गया तब ये बॉन्ड्स का वैल्यू कम हो गया तो बैंक बी को तो नुकसान हो जाएगा। सो टू सेफगार्ड इटसेल्फ वो बोलता है कि मैं तेरे को 2% कट करके ही पैसा दूंगा, मैं तेरे को ये 2% कट करके ही पैसा दूंगा। तो अब बैंक बी के पास अप्रोक्सीमेटली 100% वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स है, बट पे वो बैंक ए को कर रहा है 98%। अब मेरे को बताओ बैंक ए इंटरेस्ट किसके ऊपर देगा, बैंक ए बोलेगा भाई ठीक है तू मेरा 100% बैंक वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स रख, मेरे को उसके सामने 98% ही दे क्योंकि तू मार्जिन 2% कट करके मेरे को 98% ही दे रहा है, बट मैं इंटरेस्ट ये 98% के ऊपर ही पे करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा तो 98% जितना ही आया है ना उतना तो चलेगा ना। बैंक बी बोलता है हाँ ये बात सही है, लॉजिकल है, चलेगा। गॉट इट गाइस? सो बैंक ए इज गिविंग टू बैंक बी बॉन्ड्स वर्थ ₹100, सामने बैंक बी बोल रहा है मैं तेरे को 98 रुपीज ही दूंगा क्योंकि अगर कल उठ के 14 दिन बाद तूने डिफॉल्ट किया और बैंक बॉन्ड का वैल्यू भी कम हो गया तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, तो उतना तू 2% तेरे पास रख ले, मेरे को 98% ही वैल्यू ऑफ द बॉन्ड दे दे, बट इंटरेस्ट फिर ये 98% के ऊपर ही चार्ज करना। दे अग्रीड फॉर दैट एंड बस यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेग सेकेंड लेग भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। 8,53,60,000 बनता है, बट इसमें से 2% मार्जिन, ये मार्जिन क्यों माइनस हो रहा है क्योंकि बॉन्ड का वैल्यू कम हो गया तो बैंक बी इज एट रिस्क, अपने आप को सिक्योर करने के लिए बैंक बी ये मार्जिन ले रहा है, -2% कर देता हूं, मुझे मेरा आंसर आ गया है ₹8,36,52,800। फटाफट देखेंगे आप लोग क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है, 8,36,52,800 ये रहा ऑप्शन 3B, ₹200 का डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली दैट इज अ राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। क्लियर एवरीबॉडी? फर्स्ट लेग स्टार्ट प्रोसीड्स, फर्स्ट लेग को क्या बोलते हैं स्टार्ट प्रोसीड्स, कितना है स्टार्ट प्रोसीड्स 8,36,53,000। एंड अब आ रहे हैं अपन लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर एंड दैट इज द सेकेंड लेग। अब सेकेंड लेग में क्या होगा कि भाई ये वापस इसको कितना पे करेगा, तो इसके ऊपर हाउ मच इट हैज टू पे इंटरेस्ट, 5.65% इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी डेज सर, फॉर 14 डेज, फॉर 14 डेज। ये अगर आप लोग नोट करेंगे तो यहां पे देखो लिखा है दैट यस फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 360 डेज इन अयर कंसिडर करना है। चलो और सेकेंड लेग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जब बैंक जाएगा हमारा ये बैंक ए बैंक बी को रीपे करेगा और बोलेगा चल भाई मेरा जो बॉन्ड्स है वो मेरे को वापस दे दे, तो कितना रीपे करेगा, तो 8,36,52,800 मल्टीप्लाई बाय 5.65% इनटू 14 डिवाइड बाय 360, सो ये आ जाता है 183,804 प्लस इसमें मैं ऐड कर देता हूं प्रिंसिपल अमाउंट 8,36,52,800 एंड द फाइनल अमाउंट वर्क्स आउट टू 838,366,04। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, 8,38,36,604 ये आ जाता है आपका सेकेंड लेग में। तो इंटरेस्ट के साथ आप इतना पे कर रहे हो, 5.65% इंटरेस्ट फॉर 14 डेज, ये आ गया है यहां पे। लेट्स सी कितना 8,36,604 आंसर आ गया है ए। विद दिस आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन विद एवरी लॉजिक विद एवरी कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो जैसा मैंने बोला टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करना, डू शेयर इट विद योर जूनियर्स एंड कलीग्स हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड आपको ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट भी चाहिए, the comment box is open for you, do let me know, we'll be the happiest person to help you in this regards. Time for me to say hasta la vista guys, conceptually aur strong hona hai aur aapko aur achhi tarah se karna hai,
देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर माई AFM मास्टर क्लास एंड दैट 100 आवर सेशन विल बी लाइक अ टोटल गेम चेंजर फॉर यू. वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, सम्स भी सारे के सारे 100% सम्स ऑफ मॉड्यूल सॉल्व, एवरीथिंग इन दैट 100 आवर सेशन. सो अगर आपका टाइम कम है तो आपको ऐसा कुछ करना है, गो फॉर दैट एज वेल. हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.